Hey guys, this is Zahid Akhtar and you are watching the Zahid Akhtar Vlogs. Guys, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रैवल आउटफिट्स के बारे में. अभी ये वीडियो बनाने के पीछे जो कारण है वो है मेरे इंस्टाग्राम की पोस्ट पे आने वाले कमेंट्स. भाई साहब, बहुत ही कैंड शूट करवाया मैंने बनारस में, एक बार देख लीजिएगा जाके, यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, द ज़ाहिद अख्तर सर्च मार लीजिएगा. और बंजारा ज़ाहिद जो मेरा व्लॉगिंग चैनल है उस पे व्लॉग्स आने वाले हैं. अभी आए नहीं हैं, आएंगे. दो तीन व्लॉग मैंने वहाँ पे करे हैं, कुछ फूड व्लॉग है, जो भी है बंजारा ज़ाहिद एक बार देख लीजिएगा. और अगर आपको बाइक का कंटेंट देखना है तो वो भी जाके देख लीजिएगा. अभी आज की जो वीडियो है वो शुरू करते हैं. इससे पहले हम शुरू करें अपने चैनल पे हम क्या बनाते हैं. बड़े तेज हो रहे हैं, आपको सब पता है. जो नई पब्लिक है उनको बता दूँ, हम बनाते हैं मेन ग्रूमिंग, फैशन, प्रोडक्ट रिव्यूज़, मोटिवेशनल वीडियोज़, फिटनेस वीडियोज़. इनमें से जो भी जॉनराज आपको देखना है आप सब्सक्राइब करके घंटा दबा दीजिएगा. अभी स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो से. गाइस देखो, फैशन से आप क्या समझते हो? अभी वीडियो पॉज करो, कमेंट करो आप के अकॉर्डिंग या आपके लिए फैशन क्या है. मेरे लिए फैशन वो है जिसमें मैं कंफर्टेबल रहूं. जानता हूं बहुत घसीपटी लाइन है, बहुत लोग बोलते हैं. मेरे लिए फैशन वही है जिसमें मैं कंफर्टेबल रहूं. एंड स्पेशली जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूं तब मेरे को वैसा फैशन चाहिए जिसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहूं. भैया, एक तो घूमते घूमते ही थक जाओगे, ऊपर से अनकंफर्टेबल कपड़े पहन लोगे तो फिर उसी को संभालते रह जाओगे, ट्रैवल नहीं कर पाओगे. तो आज की वीडियो में मैं जो भी आउटफिट्स के बारे में बात करूंगा, जो भी चीज़ के बारे में बात करूंगा, ये सब मैं पिछले 4-5 साल से अप्लाई कर रहा हूं अपनी लाइफ में, वही सारा आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं. आज की वीडियो में हम जो कुछ भी डिस्कस करेंगे ये सब आपके बजट के अंदर मिल जाएंगे एंड हर जगह अवेलेबल है. अमेजोन पे तो 200% अवेलेबल है. देखो, सीधा सा फंडा है, जब भी कभी आप कहीं घूमने जा रहे हैं आपके कपड़े बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने चाहिए और टाइट तो बिल्कुल नहीं पहनने हैं, मतलब बिल्कुल चिपके चिपके नहीं पहनने हैं. ठीक, क्लियर हो गया कंसेप्ट. अब स्टार्ट करते हैं आउटफिट से. सबसे दी बेस्ट चीज़ जो आप अपने अपर वेयर में पहन सकते हो वो है एक कुर्ता, शॉर्ट कुर्ता. अब ये जो वीडियो है ये लड़का लड़की सबके लिए है. सबसे पहली चीज़ जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है वो है एक शॉर्ट कुर्ता. जो भी कलर आपको पसंद है ख़रीद लीजिए. शर्त यह है कि जिस जगह पे आप जा रहे हैं वहाँ की वाइब से आपके कुर्ते का जो कलर है, जो भी पैटर्न आपने कुर्ते का ख़रीदा है, वो उस वाइब से मैच करना चाहिए. जब भी आप कुर्ता ख़रीदें, फिर चाहे आप ऑनलाइन ख़रीद रहे हों या ऑफलाइन ख़रीद रहे हों या आप जिस जगह गए हैं वहाँ जा कर ख़रीद रहे हों, बस ध्यान ये दीजिएगा कि वो प्योर कॉटन का हो या खादी, जिसको हम लिनन कहते हैं, उस कपड़े का हो. क्योंकि पूरा दिन स्वेटिंग करोगे और उसके बाद वो कुर्ता पॉलिस्टर का निकला तो दिक्कत होने वाली है. बहुत से लोगों की क्वेरी मेरे को इंस्टाग्राम पे आई थी कि मैंने बनारस में जो आउटफिट पहना था उन्हें कहाँ से ख़रीदा था. हालांकि वो पूरा आउटफिट मैंने बनारस में ही ख़रीदा था, लेकिन सेम डिट्टो वो कुर्ता और वो हरम पैंट्स आपको अमेज़ॉन पर भी मिल जाती है. इंस्टाग्राम पर हालाँकि मैंने अपडेट कर दिया था पब्लिक को, बट यूट्यूब पर आज यहाँ भी हम अपडेट कर रहे हैं. डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे. जो जो कुर्ते मेरे पास हैं, जो जो ट्रैवल एक्सेसरीज़ में लेके चलता हूँ, जो जो मैं कैरी करता हूँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं. उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा. आपको जो चीज़ भी चेक करनी है आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा. अभी दूसरी चीज़ जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है, जॉगर्स, और वो भी कार्गो जॉगर्स में बेटा. ऐसे अगर आप अपनी रेगुलर पब्लिक हैं तो आपको पता होगा कि मैं अपनी हर फैशन वीडियो में कार्गो जॉगर्स को रिकमेंड ज़रूर करता हूं. एंड सिंस आज हम ट्रैवल आउटफिट के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां तो कार्गो जॉगर्स का होना बनता है. देखो, जॉगर्स का फंडा तो सबको क्लियर है, जिसको नहीं क्लियर बता देता हूं. एंकल लेंथ पे आपका इलास्टिक होता है, ठीक, तो वो आपके जूतों पर टच नहीं करेगा. दूसरा, जैसे बाकी जो जीन्स वगैरह होती है, पैंट्स होती है, वो आपके पैर के नीचे आने लगते हैं, वो ढीले ढाले होते हैं, ये आपके एंकल पर रहेगा, नीचे नहीं जाएगा. दूसरा, कार्गो जॉगर्स जो मैंने बोला है, कार्गो सबको पता है पॉकेट ज़्यादा होती है, मिनिमम 6 पॉकेट्स तो होती है. तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप पावर बैंक ले रहे होंगे, साथ में बहुत सारी चीज़ें होंगी वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ आप अपने उस कार्गो जॉगर्स में आराम से डाल लेंगे. एक फ़ायदा और है कार्गो जॉगर्स को पहन के ट्रैवल करने का, जीन्स से एनी डे लूज़ होते हैं, कम्फर्टेबल ज़्यादा होते हैं. और हमें ट्रैवल वाइब भी तो दिखानी है अपनी फोटोज़ में, तो भैया वो जीन्स वाला फिर फील नहीं देगा ना. तीसरी चीज़ जिसमें आपको इन्वेस्ट करनी है, हरम पैंट्स. ये 200 रुपये से लेके फिर 1000-1200-1500 तक मिल जाते हैं आपको.
अभी हरम पैंट्स क्यों बोल रहा हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा बंजारा वाइब देते हैं, बहुत ज़्यादा आपको ट्रैवल वाइब देंगे। अगर आप ट्रैवल करने गए हैं और आपका मोटिव है कि फ़ोटोज़ खींच के अपने कलीग्स को चढ़ाना है, हरम पैंट्स एक ख़रीद लीजिए। लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे। ये मेरे साथ हुआ था बनारस में, पूरा बनारस देख रहा था आपके ज़ाहिद को। तो हरम पैंट्स में इन्वेस्ट कर लीजिए, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए आता है। बस देखिएगा, ये जहाँ से भी आप ख़रीद रहे हो उसमें एटलीस्ट दो पॉकेट हो, क्योंकि हरम पैंट्स में ज़्यादातर कंपनियाँ, या अगर आप ऑफलाइन ले रहे हैं तो एक ही पॉकेट मिलेगी आपको राइट साइड में, तो पता चला आप वॉलेट भी नहीं रख पाएंगे। एंड जो पॉकेट होती है वो घुटने पे होती है, जो मेरा हरम पैंट है उसमें एक ही पॉकेट थी, वो भी घुटने पे, तो मेरे को वो थोड़ी दिक्कत कर रहा था। हालांकि बैग था अपने पास तो अपन ने सारी चीज़ कैरी कर ली थी, बट वो आप चीज़ देख लीजिएगा। एंड अगर थोड़ा और फंकी में आप जाना चाहते हैं तो फ्लोरल प्रिंट वाले भी हरम पैंट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्सी लगते हैं, मज़ा आ जाएगा। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपके फुटवेयर। अभी यहाँ पे फैशन नहीं करना है कि भाई बूट पहनेंगे, चेल्सी पहनेंगे, स्नीकर, चप्पलें, नहीं, पैर का सवाल है और पूरा दिन घूमना होता है, ये सबसे पैर में हो जाएगी दिक्कत, पैर करने लगेंगे दर्द और फिर आप कहोगे कि ज़ाहिद आपने बताया नहीं था। अच्छे स्पोर्ट्स शू में इन्वेस्ट कर लो, अच्छे, वो 400-500 वाले नहीं, अच्छे ब्रांड के एक स्पोर्ट शू में इन्वेस्ट कर लो, मिनिमम 2 साल आराम से चलेगा। फिला, आपने मेरे बहुत सारे ट्रैवल फोटोज़ में देखा होगा, फिला अभी मैं प्यूमा वाला पहन रहा हूँ, 2-2 साल से चल रहे हैं, बढ़िया, रगड़ के घूमता हूँ मैं। अगर बजट थोड़ा ज़्यादा हाई है और आप थोड़े कर्रे लेवल वाले ट्रैवलर हो, आपका प्लान है ट्रैकिंग करने का, पहाड़ों पर जाने का, बारिशों में जाने का, तो डेकैथलॉन के शूज़ आते हैं, आप वो जाके ख़रीद सकते हैं। बाय द वे, हमने पूरी तैयारी करी है, आगे कुछ ट्रिप्स प्लान्ड हैं और डेकैथलॉन से पूरी ट्रैवल एक्सेसरीज़ वगैरह लेके आए। अगर आपको चाहिए उसका हॉल वीडियो तो कमेंट कर दीजिएगा, सारी चीज़ आपको उसमें हम क्लियर कर देंगे। अभी नेक्स्ट जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सनग्लास, जो भी आपके चेहरे को सूट करता है फ्रेम, एक सनग्लास ले लीजिए। अभी सनग्लास लेने के 2 कारण हैं यहाँ पे, पहला आपको धूप से बचाएगा और दूसरा जब आप फोटो खिंचवाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा कैंट लगेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो आपको अपने साथ कैरी करनी है, आउटफिट की बात हो गई, ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज़ जो आपको अपने साथ कैरी करनी है, एक बैग। बहुत लोग चौड़े में निकल लेते हैं, भाई चौड़े में तो निकलना है ठीक है, लेकिन एक बैग होना चाहिए, एक पिट्ठू बैग, छोटा सा बैग, अपार्ट फ्रॉम योर ट्रैवल बैग, जो भी आप रक्सैक लेके जा रहे हो, जो भी लेके जा रहे हो, एक छोटा सा बैग 10-15-20 लीटर का अपने साथ आप कैरी करिए। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो एक स्लिंग बैग ले लीजिए, या जो वेस्ट के लिए एक बैग आता है वो ले लीजिए। अगर पूरा दिन आप घूम रहे हैं तो जाहिर सी बात है फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज होगी, पावर बैंक चाहिए या चार्जर चाहिए, और भी वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें आप अपने साथ कैरी करते हैं। तो ये 3 मैंने ऑप्शन दिया आपको, इधर 10-15-20 लीटर वाला पीछे वाला बैग, या स्लिंग बैग, या वेस्ट बैग। ख़त्म हो गया जी आपका पूरा ट्रैवल आउटफिट का काम, चौड़े में घूमिए, वाइब दीजिए, लोगों को मज़ा आएगा। अभी चलते चलते एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको अपने साथ लेके घूमिएगा, और अगर नहीं घूमना चाहते तो जब आप घर से निकलें, मतलब अपने जहाँ भी आप स्टे कर रहे हैं, होटल, मोटेल, इन सराएं, दोस्त के यहाँ, कॉटेज, विला, जहाँ भी जब आप निकलें तो सनस्क्रीन अप्लाई करके निकलिएगा। भाई साहब बहुत गंदा टैन होता है, बहुत गंदा टैन होता है, तो सनस्क्रीन भी इंक्लूड कर लीजिएगा अपने जो ट्रैवल वाला सामान पैक कर रहे हैं। बस यही था, हो गया जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में क्या पसंद आया है कमेंट कर दीजिए। ये जितनी भी चीज़ों के बारे में बात हुई है सब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और कमेंट करके बता दीजिए कि इनमें से आपके पास क्या क्या है और आप क्या क्या लेना चाहते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अनटिल देन नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।